क्लास वन में आज हम देखेंगे प्लांट डेट कैन नॉट स्टैंड स्टैंड, ठीक है। ऐसे प्लांट्स के बारे में देखेंगे जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ऐसे प्लांट्स के बारे में जो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। सम प्लांट है वीक स्टीम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके तने कमज़ोर होते हैं। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन, जब उनके तने कमज़ोर हैं तो वो कोई भी प्लांट किस वजह से खड़ा हो पाता है, अपने तने की वजह से खड़ा हो पाता है। यदि उसका तना मजबूत है तो वो सीधा खड़ा हो जाएगा, लेकिन यदि तना कमज़ोर है तो क्या वो सीधा खड़ा हो पाएगा, वो अपने आप स्वयं से सीधा खड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसमें सबसे पहले है क्लाइंबर। क्लाइंबर क्लाइंब अप टेकिंग सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट स्टिक और वॉल। क्लाइंबर प्लांट जो होते हैं वह किसी भी दूसरे प्लांट का, ठीक है, किसी छड़ी का, ठीक, या किसी दीवार का सहारा लेके खड़े होते हैं, ठीक है, बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं। ये खुद से ग्रो नहीं कर पाते, इनको किसी न किसी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, उस पर क्लाइंब करते हैं, चढ़ते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, क्लाइंबर प्लांट कहते हैं। इसके एग्जांपल में आ जाएगा पी प्लांट और ग्रेप वाइन, यानी मटर का पौधा और अंगूर का। क्रीपर ग्रो अलोंग अ ग्राउंड। क्रीपर प्लांट क्या होते हैं, ये ग्राउंड पे होते हैं, ज़मीन पे होते हैं, ठीक है। इनके भी स्टीम क्या होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ठीक है, इसी वजह से ये भी क्या होते हैं, ज़मीन पर होते हैं, यानी इनके जो फल होते हैं वो ज़मीन पर बैठ जाते हैं, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल हो जाएगा पम्पकिन और वाटरमेलन, पम्पकिन मतलब कद्दू हो गया और वाटरमेलन हो गया तरबूज। अगला है थॉर्नी प्लांट। थॉर्नी प्लांट मतलब हो गया कि ऐसे प्लांट जिनमें कांटे पाए जाते हैं। प्लांट विच हैव थॉर्न आर कॉल्ड थॉर्नी प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें कांटे पाए जाएंगे उसे थॉर्नी प्लांट कहते हैं। थॉर्न प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम बींग ईटन बाई एनिमल्स, और ये जो इसके कांटे होते हैं ये इस प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी जानवर इसको खा ना ले, ठीक है। कोई भी जानवर क्या होगा, कांटे वाले प्लांट को खाएगा, नहीं खाएगा, तो ये कांटों की वजह से ये क्या करते हैं, अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, यानी इनमें कांटा पाया जाता है इस वजह से ये सुरक्षित रहते हैं कि कोई भी जानवर इनको खा नहीं पाएगा। इसके बाद इसका एग्जांपल में हो जाएगा कैक्टस और रोज, ठीक है। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ प्लांट। पार्ट्स ऑफ प्लांट में प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसके पहले हमने टाइप्स ऑफ प्लांट पढ़ा। टाइप्स ऑफ प्लांट में कौन कौन से प्लांट आ गए, बिग प्लांट, स्मॉल प्लांट और प्लांट डेट कैन नॉट स्टैंड स्टेट। बिग प्लांट में हमने ट्री के बारे में पढ़ा, स्मॉल प्लांट में हमने पढ़ा हर्ब सर्व के बारे में, और प्लांट कैन नॉट स्टैंड स्टेट में हमने पढ़ा क्लाइंबर प्लांट के बारे में, ठीक है, क्रीपर के बारे में, और उसके बाद हमने पढ़ा थॉर्नी के बारे में, उसके बाद हम थॉर्नी प्लांट के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब तक हमने प्रकार देखा, अब इसमें कौन कौन से इसके अंग होते हैं, भाग होते हैं। तो प्लांट्स में क्या क्या पाया जाता है, कोई एक प्लांट है तो उसमें क्या क्या पाया जाएगा, फ्लावर पाया जाएगा, फ्लावर मतलब हो गया फूल, बड पाया जाएगा, बड मतलब हो गया कली, और क्या पाया जाएगा, फ्रूट पाया जाएगा, फ्रूट मतलब हो गया फल, लीफ पाया जाएगा, लीफ मतलब हो गया पत्ती, रूट्स पाया जाएगा, रूट्स मतलब हो गया जड़, स्टीम पाया जाएगा, स्टीम मतलब हो गया तना, ब्रांच पाया जाएगा, ब्रांच मतलब हो गया शाखा, ठीक है। कोई भी प्लांट्स में ये सभी पार्ट्स पाए जाते हैं, जिस तरह हमारे शरीर में अलग अलग पार्ट्स पाए जाते हैं, हमारा हाथ पैर, ठीक है, ईयर नोज, ये सभी हमारे शरीर के क्या हैं, पार्ट हैं, उसी तरह प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट होते हैं। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट किससे ग्रो करता है, सीड से, यानी बीज से, ठीक है। किसी भी प्लांट को हम लगाने के लिए उसका क्या लगाते हैं, मिट्टी में बीज लगाते हैं। प्लांट ग्रो फ्रॉम सीड। प्लांट क्या से कैसे ग्रो करता है, अपने बीज से ग्रो करता है। ए सीड ग्रो इनटू बेबी प्लांट। सीड किस में बदलता है, जो बीज है वो किस में बदलता है, एक बेबी प्लांट में, एक छोटे से बेबी प्लांट में बदलता है, ठीक है। छोटा सा जो प्लांट रहता है उसे आप क्या कह सकते हैं, बेबी प्लांट कह सकते हैं। प्लांट्स नीड एयर वाटर सॉइल एंड सनलाइट टू ग्रो। और प्लांट्स को बड़ा होने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, हवा की, पानी की, सूरज की रोशनी की और मिट्टी की, क्योंकि आप बीज को कहाँ लगाएंगे, मिट्टी में लगाएंगे, फिर उसमें सूरज की रोशनी भी पड़नी चाहिए, उसमें आपको पानी भी देना पड़ेगा, है ना, उसके साथ साथ उस पर सनलाइट भी जानी चाहिए, उस पर हवा भी लगना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों से क्या करता है, प्लांट ग्रो करता है इस तरीके से। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर ख़त्म हुआ। थैंक यू।